नमस्कार दृष्टि आई के टू डे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का रिकेप देख लेते हैं पहला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली नेचर सफारी बनाने की घोषणा की है इसका सही जवाब है बिहार अगला प्रश्न है विश्व रंग मंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है इसका सही जवाब है सत्ताईस मार्च अगला प्रश्न है स्वास्थ्य भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है इसका सही जवाब है राज्य सूची अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रैल 2021 में वर्चुअल लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट की मेजबानी करने की बात कही है इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका अगला प्रश्न है हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया यह पार्क कहाँ स्थित है इसका सही जवाब है नई दिल्ली अगला प्रश्न है नई दिल्ली में आयोजित आई विश्व कप की 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक अगला प्रश्न है जेशोरेश्वरी काली शक्ति पीठ किस देश में स्थित है इसका सही जवाब है बांग्लादेश अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी के तहत कितने शहरों में समयबद्ध तरीके से कार्यों के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही जवाब है एक अगला प्रश्न है आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी यानी पीएमसी बैंक में निकासी एवं जमा पर प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है इसका सही जवाब है 30 जून 2021। अंतिम प्रश्न है किस राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास की एक योजना शुरू करने की बात कही है इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न इसरो ने जी आई सेट वन का प्रक्षेपण कब के लिए रिशेड्यूल किया है एक अप्रैल 2022, 18 अप्रैल 2021, 10 मई 2022 या फिर 29 जुलाई 2021. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18 अप्रैल 2021। बीते 28 मार्च को जी आई सेट वन यानी जियो इमेजिंग सैटेलाइट वन लॉन्च होने वाला था लेकिन जी एस एल वी एफ टेन रॉकेट में कुछ समस्या आ जाने की वजह से इसरो ने इसकी लॉन्चिंग को 18 अप्रैल 2021 के लिए रिशेड्यूल कर दिया है यह है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है क्लाउड फ्री कंडीशन में यह भारतीय उप का रियल टाइम ऑब्जर्वेशन करेगा इसे जी एस एफ टेन रॉकेट द्वारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि इंग्लिश। अगला प्रश्न है नोवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है नई दिल्ली दुशांबे तेहरान या फिर दुबई इसका सही जवाब ऑप्शन बी दुशांबे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नोवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने दुशांबे पहुंच गए हैं इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में किया जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 50 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं नोवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस यानी एच ओ ए आई पी मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस इस्तानबुल प्रोसेस का हिस्सा है हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस एक स्थिर और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए सुरक्षा और सहयोग पर एक क्षेत्रीय पहल है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है नई दिल्ली मुंबई बेंगलुरु या फिर विशाखापनम इसका सही जवाब ऑप्शन सी बेंगलुरु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जल्द ही भारत के पहले एसी रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं इस रेलवे टर्मिनल का नाम सर एम विश्वेश्वर रेलवे टर्मिनल है जो बेंगलुरु के बैप्पन हल्ली में स्थित है यह टर्मिनल 32 जोड़ी ट्रेनों को हैंडल करेगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अगला प्रश्न है खबरों में रहा हिपनिया इंडिका क्या है विषाणु शैवाल पुस्तक या फिर स्टार्टअप इसका सही जवाब ऑप्शन बी शैवाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा के फेलिक्स ब्लास्ट के नेतृत्व में समुद्री वैज्ञानिकों वनस्पति शास्त्रियों के एक समूह ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी और गुजरात और दमन दीव के तटों पर दो नए समुद्री शैवाल की प्रजातियां खोजी हैं। इन दोनों प्रजातियों के नाम हैं हिपनिया इंडिका एवं हिपनिया बुलाटा कन्याकुमारी में दोनों जबकि गुजरात में हिपनिया इंडिका तथा दमन एवं दीव में हिपनिया बुलाटा पाई गई है इन शैवालों का उपयोग जेली और आइसक्रीम बनाने में किया जा सकता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है खबरों में रहा एवर गिवन क्या है स्टार्टअप गैलेक्सी उपग्रह या फिर मालवाहक जहाज इसका सही जवाब ऑप्शन डी मालवाहक जहाज तेईस मार्च से ही मिस्र में स्वेज नहर में फंसा मालवाहक जहाज एवर गिवन निकलने में सफल हो गया है अब स्वेज नहर में लगा जाम खत्म हो गया है इस जहाज पर सवार चालक दल के सभी 25 भारतीय सदस्य सुरक्षित हैं 400 मीटर लंबे इस जहाज के मालिक जापान के शुई किसेन है इस जहाज को ताइवान की कंपनी एवरग्रीन मैरीन द्वारा ऑपरेट किया जाता है आपको बता दें कि विश्व के व्यस्ततम समुद्री रास्ते में से एक मिस्र के स्वेज नहर में विशाल कंटेनर शिप एवर गिवन के फंसने से दुनिया भर के तीन सौ ज्यादा मालवाहक जहाज और तेल कंटेनर फंस गए थे तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी अगला प्रश्न है मिशन बिगिन अगेन किस राज्य में शुरू किया गया है बिहार महाराष्ट्र राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश इसका सही जवाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन निर्देश जारी किया है इसके तहत सभी सार्वजनिक स्थल रात के आठ बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे यदि कोई निर्देश का उल्लंघन करता है तो उस पर एक हजार रूपए का जुर्माना लगेगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है उनतीस मार्च तीस मार्च इकतीस मार्च या फिर एक अप्रैल इसका सही जवाब ऑप्शन बी तीस मार्च हर साल तीस मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है राजपुताना को डोमिनियन ऑफ इंडिया में विलय करके इस राज्य का निर्माण तीस मार्च उन्नीस को हुआ था इसलिए तीस मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात से अपनी सीमा साझा करता है इसे लैंड ऑफ किंग्स या लैंड ऑफ किंगडम भी कहा जाता है राजस्थान का राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जबकि राजकीय खेल बास्केटबॉल है घूमर राजस्थान का राजकीय नृत्य है राजस्थान के दो राजकीय पशु ऊंट और चिंकारा है केवला देव नेशनल पार्क रणथम्भौर नेशनल पार्क आदि इस राज्य के प्रसिद्ध नेशनल पार्क है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है प्राण बिजाना क्लिनिक पहल किस राज्य में चलाई जा रही है बिहार झारखंड ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब ऑप्शन सी ए और बी दोनों इंडियन अमेरिकन दंपति रमेश और कल्पना भाटिया ने हाल ही में बिजाना को डोनेशन दिया है यह है डोनेशन प्राण बिजाना क्लिनिक पहल के तहत दिया गया यहाँ प्राण का तात्पर्य प्रवासी एलुमनी निशुल्क और बिजाना का तात्पर्य बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से है डोनेशन की कुल राशि एक करोड़ रुपए से अधिक यानी डेढ़ लाख डॉलर की है डोनेशन की राशि का इस्तेमाल बिहार और झारखंड के ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाएगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अगला प्रश्न है हाल ही में जानी मानी शख्सियत वैग पिंटो का निधन हो गया बताइए उनका संबंध किससे था साहित्य फिल्म भारतीय सेना या फिर विज्ञान इसका सही जवाब ऑप्शन सी भारतीय सेना एक सैन्य नायक लेफ्टिनेंट जनरल वैग पिंटो का सत्तानवे वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया है इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के दौरान एक लड़ाई में इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व किया था और भारत को इस युद्ध में जीत दिलाई थी उन्होंने बसंतर की लड़ाई में चौवनवी इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व किया था चौदह दिनों तक चली इस लड़ाई में पिंटो के डिवीजन ने बहादुरी के लिए एक पदक प्राप्त किए थे इसमें दो परमवीर चक्र और नौ महावीर चक्र शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अगला प्रश्न है लापेरास संयुक्त अभ्यास क्वाड सदस्यों और किस देश के बीच होने वाला है जर्मनी यूएसए इटली या फिर फ्रांस इसका सही जवाब ऑप्शन डी फ्रांस भारतीय नौसेना ला पेरास नामक नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए कोची पहुंच गई है यह नौसैनिक अभ्यास 5 से 7 अप्रैल के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा इस अभ्यास में क्वाड सदस्यों के अलावा फ्रांस भी हिस्सा लेगा आपको बता दें कि क्वाड सदस्यों में चार देश भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवंबर 2020 में मालाबार नामक नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी अंतिम प्रश्न है योसांग त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है मणिपुर असम हिमाचल प्रदेश या फिर नागालैंड इसका सही जवाब ऑप्शन ए मणिपुर योसांग नामक त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है यह त्योहार लगभग पांच दिनों तक चलता है यह त्योहार देशज मितई समुदाय यानी इंडिजीनियस मितई कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है इस त्यौहार को मणिपुर की होली के रूप में वर्णित किया जाता है देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के चलते मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लोगों से इस त्योहार को मनाने के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार बरतने की अपील की है इस बार योसांग त्योहार के दौरान होने वाले थबल झोंगबा लोक नृत्य पर मणिपुर सरकार ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के मुताबिक दुनिया के दो सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार कौन से हैं? भारत और चीन भारत और अमेरिका सऊदी अरब और कनाडा या फिर चीन और अमेरिका इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक, तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे मोटिवेटेड